हाँ वो नंबर मिल गया है जिसका इन्फॉर्मेशन तुमने निकालने के लिए कहा था। वो एक, 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 एक मिनट, किसका नंबर है? करुणा, मेरी गैंग की एक मेंबर है। जिस वक्त मैं हसीना मलिक की बातें सुन रही थी फोन पर, उस वक्त वो भी कमरे में थी। हो ना हो, करुणा का इस मामले में 100% हाथ है। एड्रेस भेज रही हूँ, आगे क्या करना है ये बताने की तुझे जरूरत नहीं है। अभी देर मत कर, अगर देर होगी तो करुणा हाथ से निकल जाएगी, और ये लीड एक बार हाथ से निकल गई ना तो उसे पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, यही है उस करुणा का घर। चल अंदर। एक सांस में बता हसीना मलिक कहां पर है, वरना तेरी दूसरी सांस अभी क्या भी रोक दूंगी। बता। मगर ताई मैंने कुछ नहीं किया। ताई पता कहां पर है हसीना मलिक? ताई चाहे तुम मेरे टुकड़े टुकड़े कर दे, मगर मैं नहीं बताऊंगी वो कहाँ है, क्योंकि जो मैंने किया वो बिल्कुल सही किया। तुम्हारे पीछे पड़ी रहती थी, वो इसी लायक थी। वो खत्म तो सारे झंझट खत्म। कहाँ पर है वो बता। मैं नहीं बताऊंगी। ऐसे कैसे नहीं बताएंगे? बताती है नहीं? बताती है कि नहीं? बताती, मैंने उसे बेहोश करके कोल्ड स्टोरेज में बंद कर दिया है। कोल्ड स्टोरेज? पता पता जल्दी से। गोमती नगर के साई फार्मा वेयर हाउस में बंद है, पर अब कोई फायदा नहीं, अब तक तो वो ठंड से जम के मर गई होगी। फोन दे। करिश्मा सिंह सुन, तुरंत गोमती नगर के साई फार्मा वाले बंद वेयरहाउस में पहुंचना। हसीना मलिक वहां के कोल्ड स्टोरेज में बंद है, उसके पास समय बहुत कम है, वहां का टेम्परेचर माइनस में है। जल्दी भाग करिश्मा सिंह, अपनी मैडम सर को बचा ले। इसको लेकर चलो, चल। इधर फ्रीजर है, मैंने उसमें डाला है। करिश्मा सिंह, हसीना मलिक अंदर है। देख क्या रहे हो, इसे उठाओ। आग चलाओ जल्दी। सभी अपने हाथ आग से गर्म करके हसीना मलिक को गर्माहट दो, जल्दी। सीना मलिक की सांसें नहीं चल रही है मैडम साहब। परेशान मैडम साहब।
मैडम सर, मैडम सर, हाँ मैडम सर, उठिए उठिए, ठीक है, मैडम सर, मैडम सर, मैडम सर, आप सही हैं, बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ आपको, कुछ नहीं हुआ, आप बिल्कुल ठीक है, पानी 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 लाओ, पानी लाओ, जल्दी लाओ, छीटो जल्दी लाओ, पानी ला रहे, पानी ला रहे, पानी ला रहे, सब है मैडम सर, पानी पी, पानी पी, हमने पकड़ा, पकड़ा, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से है, हम सब है आपके पास, हम सब है, इतनी आसानी से आपका पीछा नहीं छोड़े, चलिए मैडम से कुछ हॉस्पिटल लेके जाओ इनको, जल्दी जल्दी हम आते हैं, हमें कुछ काम है, अरे क्या कह रही हैं आप, कुछ काम है, कुछ सुलटाना है हमें, वो सुलटा कर आइए, आप लेके जाइए मैडम, कुछ मत पकड़िए, सब ठीक हो जाएगा मैडम सर, करिश्मा सिंह, तुझसे पहले ये चिंगारी संगठन के गुनहगार है, इसका शिवानी की अदालत में फैसला होगा और फिर उसके बाद तुझे जो करना है इसके साथ तू कर सकती है। अगर करुणा मैडम सर के हाथ लग गई तो उन्हें हमारे और शिवानी के बारे में पता चल जाएगा। ले जाओ इसे, तुमने मैडम सर का जान बचाया है इसलिए तुम्हारे लिए हम इतना तो कर ही सकते, लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैडम सर इस तक पहुंचने की जरूर कोशिश करेगी। तू बेफिक्र रह, मेरे होते हुए हसीना मलिक इस तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। इतना हल्के में मत लो, मैडम सर है वो, हसीना मलिक है वो यहाँ आके तुम्हारे आंखों के सामने से घसीटते हुए लेके जाएगी इसको, पूरी रंगरेज कली देखते रह जाएगी। मैं भी नहीं चाहती कि ऐसी नौबत आए। बिन्नी, हमारे सीक्रेट गोडाउन में ले जा और वहां पर इसको लॉक कर दे, और इसकी चाबी मुझे ला कर देना, और इसे तब तक नहीं खोलना जब तक मैं ना कहूँ। हसीना मलिक इस तक तब तक नहीं पहुंच पाएगी जब तक मैं नहीं चाहती। डॉक्टर साहब सब ठीक तो है ना मैडम से, मतलब कुछ घबराने वाला बात तो नहीं है ना? बिल्कुल ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, हसीना मलिक जी पूरी तरह से रिकवर कर चुकी है, प्रिकॉशंस के लिए मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखा गया है, कल तक घर जा सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। हमको समझ में आएगा तो हम तुमको कॉल करेंगे, तुम बार बार हमको कॉल मत करो, समझ रही हो हमारी बात को, तुम्हारे चक्कर में हमको नहीं लपना है, समझी? बताओ काहे कॉल किया है? बातों वाली बाई का हालचाल पूछने के लिए फोन किया था, अब कैसी है वो? बहुत अच्छी है, चौकस है, कल डिस्चार्ज हो जाएंगे। और सुनो, तुम एक बात ध्यान रखना, वो जो करुणा है ना उसको हम सजा देंगे अपने हाथों से, उसका कोई भी सुनवाई कोई भी फैसला हमारे सामने होगा, हमारे बिना नहीं होगा, ठीक है? नहीं होगा, शिवानी अपनी बातों से कभी नहीं पलटती, रखती हूँ। पुष्पा जी, पुष्पा जी, बिल्ला कहाँ है, बिल्ला कहाँ है, अंदर देखे उसको, बाहर देखे, कहीं मिल ही नहीं रहा है हमको, बताइए, हमको तो डर लग रहा है, म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी तो नहीं टांग ले गया उसको। तुम लोग मुझे बाहर ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। इधर आके बोल, आओ इधर आओ, एक कौन जानवर बने हो? ये बाबरी, माफ करना सर, सर मैडम सर, मैडम सर, जय मैडम सर, मैडम सर, जय जय मैडम सर, जय। इस सबकी क्या जरूरत थी पुष्पा जी? शुक्रिया। कैसी हैं आप मैडम?
हम बिल्कुल ठीक है बिल्ली ये हम एक मिनट मैडम सर यही रुकिए दूसरी बार मौत को हरा कर आई हैं नजर तो उतारनी पड़ेगी ना ईश्वर आपको हमेशा हर मुसीबत से बचाए रखे और अगर कभी मुसीबत आती भी है ना तो ऐसे डट कर उसका सामना करने के लिए आपको हमेशा शक्ति दे थैंक यू आप ये एक मिनट हाँ तो कैसी हैं आप करिश्मा सिंह सब ठीक हम बहुत अच्छे हैं मैडम सर गुड और आपके लल्ला कैसे हैं वो भी एकदम चौकस हैं सही है इनके लल्ला माँ के लल्ला हाँ 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 पुष्पा जी के लल्ला आपके डार्लिंग कैसे हैं वो भी एकदम बढ़िया एकदम चौकस है मैडम सर और शिवानी कैसे वो भी एकदम ठीक है मैडम सर बस अभी अभी उससे मिल टीवी पे उसको देख रहे थे अभी उसी का न्यूज चल रहा था वहां से मिलकर सीधा आपसे अभी आप ही आप आ गए ठीक है वो भी ठीक लग रही थी बहुत हो गया चूहे बिल्ली का खेल करिश्मा सिंह चलिए अब जरा इस बारे में ऑनेस्टली बात करते हैं क्या आप चिंगारी गैंग से मिली हुई हैं क्या आप इस थाने की सारी खबरें वहां तक पहुंचाती हैं मैडम सर आप खामखा हम पे शक कर रही हैं आपको हम पे भरोसा नहीं है का बात भरोसे की नहीं है करिश्मा सिंह बात आइडियोलॉजी की है और आपकी और शिवानी की आइडियोलॉजी तो एक दूसरे से बिल्कुल मैच करती है आप दोनों को ही एकदम इंस्टेंट इंसाफ देना बहुत पसंद है ना एकदम तुरंत वाला फिर वहां तक पहुंचने का रास्ता भले ही कितना वायलेंट नाजायज और गैर कानूनी क्यों ना हमें तो लगता है कि शिवानी को बहुत ज्यादा वक्त भी नहीं लगा होगा आपको अपनी तरफ खींचने बहुत आसानी से मान गए होंगे आप और अब तो आप डेडली कॉम्बिनेशन बन जाएंगे इनफैक्ट पिछले कई दिनों में ऐसी बहुत सी घटनाएं हो चुकी हैं जिसके बाद हम ना चाहते हुए भी ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं करिश्मा सिंह कि आप हमारे साथ रहते हुए भी शिवानी की तरफ हैं क्या ये सच है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है मैडम सर हम उसका साथ खाए देंगे हम मापी की तरफ ही है तो फिर हम ब्रजेश से मिलने वाले हैं उस सीक्रेट लोकेशन पर ये बात सिर्फ और सिर्फ आप और हम जानते थे करिश्मा सिंह तो फिर चिंगारी गैंग तक ये बात पहुंची कैसे हमें कैसे पता होगा कि उसको ये बात कैसे पता चला उसका भी अपना नेटवर्क होगा उसके अपने तरीके होंगे सच पता लगाने के और हो सकता है उसने हमारे पीछे कुछ लोग लगा रखे हो कुछ भी हो सकता ना मैडम सर आप हम आपकी तरफ ही हैं हम उसकी तरफ नहीं है आप हम पे शक मत कीजिए मैडम सर अच्छा ठीक है फिर अब आपको अपनी लॉयल्टी प्रूव करनी होगी चिंगारी गैंग के जिस मेंबर ने हमें किडनैप करके फ्रीजर रूम में लॉक किया था उसे आप हमारे सामने लाकर खड़ा कर दीजिए हमारे हवाले कर दीजिए और हम मान लेंगे कि आप सच कह रही हैं हम मान लेंगे कि आप वही पुरानी करिश्मा सिंह हैं जो अपनी ड्यूटी और वफादारी के खिलाफ कभी नहीं जा सकती कि आप हमारे साथ हैं अरुणा को अपने हाथों से फोड़ना चाहते हैं पर कैसे फोड़े मैडम सर ने करिश्मा के भौकाल का ये हाल किया हुआ है हाथ तो आता है मुंह नहीं लगता शिवानी को धोखा देना होगा शिवानी को धोखा देना होगा ए भाई गाड़ी रोको भाई गाड़ी रोको कोई तो गाड़ी रोको भाई अस्पताल जाना है भाई सुधा सुधा हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे हम अस्पताल लेके जाएंगे हम कुछ करते हैं ए भाई गाड़ी रोको भाई गाड़ी रोको भाई गाड़ी रोक दिया भाई गाड़ी रोक दिया रोकना नहीं है मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ ऑडिशन का प्रैक्टिस निकलो निकलो तुम रोको भाई रोको अबे बिल्ला पगला हो गया बोले तो एकदम झकास सुधा सुधा आई हेट डियर सुधा ऐसे मायूस न हो ना सुधा जैसे हर एक ताले की चाबी होती है वैसे ही हर एक मुश्किल का हल होता है रे
सुधा सुधा ने शुद्धि कर दी। बहुत बढ़िया बिल्ले, जैसे कचरा में से मोती निकलता है ना। अच्छा ये कचरा में मोती, ऐसे तुम्हारे इस बकवास ने ना हमारी समस्या का समाधान निकाल दिया है। अब हमें तुम्हारा मदद लगेगा और तुम दोनों का भी मदद लगेगा। हम दोनों का एवर रेडी, जब बोली बताइए किससे और कहां मार खाना है। बनके तुम्हें हमारे साथ चलना और ये सब चिंगारी गैंग के साथ करना है। ये क्या करने कर रही मैडम, अच्छा भरी जवानी में शहीद हो जाएंगे हम, मर जाएंगे। हाँ। हम नहीं कर सकते। हाँ। अब यही बात सीधे सीधे नहीं बोल सकती थी क्या, जब तक अपनी मनमानी करवाती रहती है। भाई तू जान देगा ना, मैडम का हुक्म ऊपर वाले का फरमान है मौला का, जान देगा ना। देगा तू जान ना, देनी पड़ेगी नहीं तो अपने आप हमारी जान ले लेगी। माँ कसम कहता मैडम, माँ का बाप का दादा का सबका कसम खा कहता, आप हाँ बोलेगा मैं हाँ बोलेगा, आप ना बोलेगा मैं ना बोलेगा, जैसा आप बोले वैसे ही होगा। आई हैव नो ऑप्शन। सब ठीक है ना, तैयार है ना सब? हाँ हाँ। गेटअप बिटअप? यस। तुम्हारा शक्ल दिखा। कहीं बिल्ले ने हमें पहचान लिया कि हम ही बदनाम की बीवी डिंपल बनकर उसे लूटते हैं, बड़ी मुसीबत आ जाएगी। मैं दिखाऊंगा। अरे ये जब भी लड़की बनते शक्ल नहीं दिखाता। क्योंकि मुझे तेरे करेक्टर भरोसा नहीं है। भरोसा? चिंगारी गैंग आ गई है। अच्छा चलो शुरू हो जाओ। हम दरिंदे नहीं है, परिंदे है। आज इसके साथ गुजरगु गुजरगु गुजरगु। ए परिंदे, तेरे पर काटने पड़ेंगे रे। यही सही मौका है, जल्दी से चाबी का छाप ले लेता हूँ। चले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, नहीं सब हमारे साथ क्या करता। ठीक है ठीक है। अरे हाँ हाँ ठीक है ठीक है। सुन सुन सुन, तुम ना रंगरेज गलिया आत्मरक्षा से और अपनी हिफाजत खुद ही कर, समझे? चलो चलो ताई चल। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। बाय दीदी। काम हो गया? हाँ, ये शक्ल क्यों नहीं दिखा रहा है? अरे चाबी से मतलब रखना। हाँ, देख ले। कहाँ चाबी का छाप है? ये रही। यार चाबी का छाप भी उल्टा, खुद भी उल्टा। वाओ, चाबी का छाप मिल गया। ये छाप वाला साबुन करिश्मा मैडम को तुरंत देना पड़ेगा ताकि वो डुप्लीकेट चाबी बना सके। अरे वाह बढ़िया, गोलगप्पे चल रहे हैं। नहीं यहाँ के गोलगप्पों का स्वाद ही कुछ ऐसा कि रहा नहीं जाता है। हाँ बनवा लीजिए, हमें भी दीजिए थोड़ा। और सब चौकस? नहीं मतलब यहाँ गोलगप्पे पहले जा रहे हैं, वहाँ पे करुणा मैडम सर के हाथ तो नहीं लग जाएगी? हाथ लग जाएगी तो बना बनाया प्लान जो है वो छुहारा हो जाएगा हमारा, बस ऐसी पूछ रहे हैं। अरे ऐसी जगह छुपाया छुपाया है करुणा को, तुम्हारी मैडम सर सपने भी नहीं सोच सकती। और अगर शहर का पूरा कोना कोना छान मारे ना तो भी करुणा की हवा भी नहीं लगेगी उसे। अच्छा ऐसा कौन सा जगह पैदा हो गया भाई लखनऊ में? हाँ कौन सी जगह छुपा दी है उनको? हाँ शहर में होगी तो मिलेगी ना, शहर के बाहर एक गांव है झांसीपुर विलेज, उस बस्ती के पीछे एक कोठी है बसंत कुंज, बस वहीं पर छुपा कर रखा है उसे।
वहां पर ना अगर तुम्हारी हसीना मलिक के फरिश्ते भी आ जाएंगे ना, वो भी ना ढूंढ पाएंगे। अच्छा है, लेकिन फिर भी वो मैडम सर है, पहुंच गई तो वो तो कहीं से भी पहुंच जाती है, उनको पता लग जाता है, मतलब सब अच्छे से देख लिया ना, नहीं पहुंचेंगी ना उन तक। हाँ इसमें हंसने वाला कौन सा बात है? हंसने वाली बात होगी तो हंसी तो आएगी ना थानेदार नहीं, हमारी इजाजत के बगैर वहाँ हवा का झोंका तक अंदर नहीं जा सकता। वहाँ का जो मेन दरवाजा है ना, वहाँ पे 24 घंटे चिंगारी गैंग की औरतें तैनात रहती हैं, हथियार बंद औरतें जो सिर्फ और सिर्फ दीवानी जिज्जी की आवाज पर दरवाजा खोलती हैं। और किसी तरह घुस भी गए ना तो आगे का कॉरिडोर कैसे पास कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ तो हजारों वोल्ट का पूरा करंट फैला हुआ है। जिसने भी कदम रखा वो सीधा ऊपर चला जाएगा। और जो दूसरा दरवाजा है ना, जहाँ पर करुणा को रखा गया है, वहाँ पर चिंगारी गैंग की दो सबसे खतरनाक औरतें पल्ली और जुगनी, उनको रखा गया है। एक मुक्के में ना जंगली घोड़े की खोपड़ी तोड़ देती हैं वो, तो इंसान की चीजें उनके सामने। मुख्तसर में कहें तो वसंत कुंज हमारा सबसे महफूज और अभेद किला है, उसमें से किसी को भी निकालना नामुमकिन है। तसल्ली हो गया ये सुन के हमको, सच में भैया इस बात पे एक और लगा दो। इनको दो।